ये सामने ये जामा मस्जिद है सर, इसकी शाही जामा मस्जिद। अच्छा, शाही जामा मस्जिद ये, और दिल्ली और आपकी जो लाहौर से शाही मस्जिद है, इसका नक्शा एक ही है। अच्छा अच्छा। ये तकरीबन पौने 200 साल इसकी ज़िंदगी है, पौने 200 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई। अच्छा, शानदार है यार, क्या बात है कितना खूबसूरत मंजर है इसका। उसके बाद हम यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम किला ड्रावर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आप देखते जाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप देखें इस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेन मरकजी मस्जिद जो अभी हम इसके साथ जो थे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है और मुख्तलिफ है। अगर आप पीछे भी देखें तो पीछे भी मस्जिद, अगर आप देखें तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ वहाँ पर भी। आप शाही कब्रिस्तान है। अच्छा, ये इनके शाही कब्रिस्तान है। जो रूलर गुजरे हैं वो उस वो सामने वाले जो स्ट्रक्चर में जो आप अभी क्लोज करके दिखा रहे हैं जी, ये रॉयल ग्रेवयार्ड है। इसमें जितने रूलर गुजरे हैं वहाँ मदफन है। अच्छा, अभी जो हमारे लास्ट क्राउन प्रिंस है उनकी जगह भी वहाँ मौजूद है, मुख्तस की हुई है कि वो वहाँ पर दफन होंगे। बिल्कुल ठीक। ये रॉयल फैमिली के लिए ये कब्रिस्तान है, ये रॉयल ग्रेवयार्ड है। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये दिल्ली और शाही मस्जिद लाहौर और ये शाही मस्जिद दिलावर। अच्छा, ये इनका तर्ज तामीर और इनका जो स्ट्रक्चर है आपको सेम नज़र आएगा। अभी आप इसी तरह की दिल्ली में एक मस्जिद है, ये नवाब साहब ने बनाई थी, पौने 200 साल इसकी ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक। और इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये ताजमहल है। अच्छा, ये जो जितने जब ये ताज पोशी होती थी, जब ये रूलर बदलते थे। अच्छा, जब नया रूलर आता अच्छा, था अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इस जगह पे ताज पोशी की एक रस्म होती थी, इसके दरमियान ये मस्जिद का अंदर से भी दरवाज़ा खुलता है। जब वो ताज पोशी के बाद मस्जिद में आते थे, नमाज और शुक्राना नफिल अदा करते थे, वो मुख्तलिफ जो रियासतों के जो अपना स्टेट गेस्ट होते थे वो यहाँ पर आते थे और एक दस्तारबंदी की रस्म होती थी, रस्म होती थी, ताजपोशी की रस्म होती थी। मस्जिद में जाते हैं अंदर किस तरह है वो आपको दिखा। रियाज भाई हमारे साथ मौजूद है। कितनी साल की पुरानी है? अच्छा, लिखा हुआ है वो देखे 1400। ठीक है सर।
ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਾਤ ਕਰੂੰ।